नमस्कार दोस्तों, आप इन्फॉर्मेटिक में स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक आपके लिए एक नई ड्रग। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरेक्स एलएस की, जो कि 100 ml का सिरप है। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरेक्स 100 ml। ये कोरेक्स 100 ml जो है वो फाइजर का प्रोडक्ट है, जो कोरेक्स एलएस के नाम से आता है, जो आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। जी दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो इन तक देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी दोस्तों, जो कोरेक्स एलएस है वो फाइजर का प्रोडक्ट है। 100 ml में एक सिरप आता है, जो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से दिखता है। इसमें आप सब देख सकते हैं, इसमें ऊपर ही मेंशन किया गया है एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडायलेटर, म्यूकोलिटिक। ये तीन टाइप में ये वर्क करता है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्रोंकाई है, अगर उसमें हमारा स्पुटम है, मीन्स ये जो है बैट जो कफ होता है, कफिंग दो टाइप की होती है, एक ड्राई एक बैट, यानी कि सूखी खांसी, और एक होती है जिसमें हमारा स्पुटम या बलगम आता है। तो ये बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ही अच्छा यूज़फुल है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट कैसे आता है तो हम देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्ट से मतलब होता है एक्सपेल। ये क्या करेगा? जो हमारा स्पुटम होगा, बलगम होगा, इसको एक्सपेल करेगा। जो हमारी एयरवेज है, एयर पाइप है, उससे उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। और जो हमारा ब्रोंकोडायलेटर नेक्स्ट वर्ड है, जो है ब्रोंकोडायलेटर, मींस ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह वर्क करता है। मींस हमारे जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, उनके मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो एयर वे है वो अबस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह वर्क करता है, मींस ये सांस को बहुत ही अच्छा कर देता है और सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वहाँ थर्ड पार्ट होता है म्यूकोलिटिक। जो म्यूकोलाइटिक होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो म्यूकस होता है, जो हमारा स्पुटम होता है, उसको ये तोड़ देता है। मीन्स जो हमारी बॉल होती है एयरवे की, उस क्या करता है, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। जब उसको थोड़े छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा तो क्या करेगा, आसानी से एक्सपेल हो जाएगा, आराम से जो एयर बेस है हमारा, ब्रोंकाई है, जो हमारी एयर पाइप है, उससे जो स्पुटम है, बलगम है, वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। मीन्स इसको हम गीली खांसी या जो स्पुटम वाली खांसी या हमारी बलगम वाली खांसी में इसका यूज़ करते हैं। अगर बात करें हम इसके एपीआई की, उसमें एपीआई है वो हमारा पहला सालब्यूटामॉल, दूसरा है एम्ब्रोक्सन और तीसरा है हमारा गुआइफेनिसिन। जी दोस्तों, अगर बात करें हम इसके कंपोजिशन की, तो इसका जो 5 ml सिरप है, यानी कि 5 ml सिरप में जो लीबो सालब्यूटामॉल है, सालब्यूटामॉल की लीबो फॉर्म है। तो इसकी पैकिंग कुछ इस टाइप से दिखती है, कोरेक्स एलएस की। ये 100 ml की सीसी है। इसमें डोज को मेंशन करने के लिए इसमें एक कैप दी है, इसमें से आप डोज मेंशन कर सकते हैं। ये 10 ml का है, मीन्स आधा आपको लेना है। 5 ml सुबह में, 5 ml शाम में, और आपकी जो खांसी है उसको वो ट्रीट कर सकते हैं, उसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये है OTC ड्रग होती है, मीन्स आप इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आप फार्मासिस्ट के सुपरविजन में डायरेक्ट फार्मेसी से, मेडिकल से ले सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये तो था कोरेक्स एलएस के बारे में। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडियन फार्माटेक। थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है।